नमस्कार, बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। एक बार फिर से नए अपडेट के साथ नया वीडियो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले भी आपको एमपी टेट वेरिफिकेशन कैसे पता करें, पैनल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ, इसके संबंध में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैंने ही दिया था। उसके बाद कई तरह से किसी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिली, लेकिन किसी भी माध्यम से मिली, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी हुई कि आप वेरिफिकेशन करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं। इससे पहले के जो मेरे वीडियोस थे, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कितने सत्र का वेरिफिकेशन पैनल का हो चुका है, गेस्ट का, तो इस चीज़ को जानने के लिए आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें लाइव बताया हुआ कि कैसे चेक करेंगे। एमपी टेट के वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी इसके पहले के वीडियो पर जो है प्रोवाइड कराई गई है। लाइव वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो करवाना का प्रोसीजर वहां पर आपको बताया हुआ है। इस बार भी हम नया जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने पहले से देखा हुआ है लेकिन शायद समझने में भूल हो गई होगी। अभी एक या दो दिन से जेपीएमएस पोर्टल में एक नया अपडेट आया हुआ है, जिसके बारे में आप जानते हैं, देखे होंगे। मैं भी यहां पर आपको वही चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अलग ही यहां पर आपको अपडेट देंगे। यहां पर नया अपडेट ये रहने वाला है, आप भी जानते हैं 26 तारीख लास्ट डेट है एक्सीडेंट सर्टिफिकेट डीओ के द्वारा जारी करने की वेरिफिकेशन और एमपी टेट के वेरिफिकेशन के बारे में। इस डेट के बारे में आप जानते हैं कि 28 कर दिया गया है, 28 मार्च इसको कर दिया गया है, ये चीज़ आपने जाना होगा। लेकिन ऐसा अभी नहीं है, कोई आदेश नहीं आया है। अब आप कहेंगे इस पर जो मैसेज आता है जेपीएमएस पोर्टल पर, उसके बारे में आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं, वह मैसेज भी आपको दिखाएंगे एक्चुअली हुआ क्या है। साथ ही उन अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए खुशखबरी रहेगी जिनका एमपी टेट वेरिफिकेशन या पैनल वेरिफिकेशन गलत कर दिया गया है या हो चुका है संकुल प्रचारों के द्वारा। तो संकुल प्रचारों के द्वारा अगर गलत वेरिफिकेशन हो चुका है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको सुधारने संबंधी, संशोधन करने संबंधी जो नया अपडेट है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज दिखाते हैं। जेपीएमएस पोर्टल जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई है, हालांकि इसका कोई आदेश अभी नहीं आया है, तारीख अभी नहीं बढ़ी हुई है। यहाँ पर जो 28/3/2024 बताया हुआ है, ये तारीख नहीं बढ़ाया गया है, ये है क्या इसको आपको दिखाते हैं। तो हमेशा की तरह नया कुछ सीखेंगे। यहाँ पर देखिए आवेदक के द्वारा दर्ज पैनल एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी संकुल प्राचार्य द्वारा त्रुटिपूर्ण सत्यापित होने पर, यानी यहाँ पर देखिए स्पष्ट बताया हुआ है कि अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पैनल का वेरिफिकेशन कर दिया गया है, वर्ग एक की जगह वर्ग दो कर दिया गया है, दो की जगह एक कर दिया गया है, विषय चुनने में गलती हो गई है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद वह सुधर नहीं रहा है, अभी नहीं सुधरेगा, 28 तारीख से सुधरना शुरू होगा। ठीक, ये चीज़ आप जान लें। एमपी टेट का अगर आपने रोल नंबर या अंकों में गड़बड़ी करके कहीं पर भर दिया था और उसका वेरिफिकेशन हो गया है, वह भी अभी नहीं सुधरेगा, वह अभी 28 तारीख से सुधरना चालू होगा। लेकिन आपको परेशानी कहां पर होने वाली है, यहां पर जानकारी को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जानकारी संकुल प्रचार के द्वारा त्रुटिपूर्ण सत्यापित होने पर त्रुटिपूर्ण सत्यापित जानकारी संशोधन की सुविधा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका संशोधन होगा, सुधरेगा, लेकिन वह जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर दिनांक 28/3/24 से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो ये मैसेज आ रहा है, यह किसी भी प्रकार से डेट को बढ़ाने संबंधी नहीं है। यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख थी वह फिलहाल अभी 26 ही है। हालांकि जब वेरिफिकेशन वो सुधारने का उसमें वो ऑप्शन देंगे तो ऑटोमेटिक डेट अपने आप और आगे चली जाएगी। यह डेट पूरे मार्च के महीने में रहेगी, इसके लेकर आश्वस्त रहें पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहन।
क्योंकि 28 तारीख से जब वो सुधारने का ऑप्शन वो खोल रहे हैं तो कुछ दिन वो सुधारेंगे, लेकिन यह सुविधा केवल जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, गलत वेरिफिकेशन हुआ है, जानकारी गलत थी लेकिन वेरीफाइड हो चुका है। तो गलतियां सबसे ही होती हैं, चाहे संकुल के प्राचार हो या अतिथि शिक्षक हो, तो उसको सुधरवाने के लिए आपको एक बार फिर से डीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, यानी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर 28 मार्च 2024 से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है और वह सुधरवाना चाहते हैं, गलत वेरिफिकेशन गलत जानकारी को सही करवाना चाहते हैं, तो डीओ ऑफिस से उनका वेरिफिकेशन होगा। अभी तक आज दिनांक तक जो ये मैसेज आ रहा है, डेट बढ़ाने का कोई आदेश नहीं आया है, डेट अभी 26 ही है, उम्मीद है कि 26 तारीख को ही आदेश जारी किया जाएगा डीपीआई की तरफ से। इस चीज को अच्छे से समझ लें सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहन। बाकी जो यहाँ पर आदेश हैं, यहाँ पर देखिए अभी नया आदेश नहीं आया, इसमें जो पुराना आदेश यहाँ पर देख सकते हैं 15 तारीख का ही आदेश आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आदेश था गूगल सीट पर जानकारी मानदेय संबंधी जो है उसको भेजने संबंधी, इसके बाद कोई भी नया आदेश यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। और जो यहाँ पर ये जारी ये 28 तारीख डेट के लिए बता रहे हैं बार बार अलग अलग चैनलों के माध्यम से, तो ये अनुभव की डेट नहीं है, ये वेरिफिकेशन जिनका हो गया है पैनल में या फिर एमपी टेट में और गलत वेरिफिकेशन हो गया है, जानकारी सत्यापित कर दी गई है, ये उसको सुधारने की डेट है। हालांकि यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट कर दें, ये सुधारने की डेट बेशक ही है, लेकिन दोस्तों जो अनुभव प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लॉगिन पर लंबित है वह अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 दिन का अवकाश है, किसी किसी जिले पर 3 दिन का है, किसी किसी जिले पर 2 दिन का अवकाश है, यहाँ पर होली का, उस अवकाश को कहाँ पर काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये अनुभव संभावना है, जटिल संभावना है, प्रबल संभावना है कि जो तारीख है वह 31 मार्च तक बढ़ेगी अनुभव जारी करने की। फिलहाल जो यहाँ पर मैसेज है, इस मैसेज का सही आकलन है कि जिनका वेरिफिकेशन पैनल का और एमपी टेट का हो चुका है, उनका गलत वेरिफिकेशन जिनका हुआ है उनका संशोधन का सुविधा 28/3/24 से शुरू होगा। ये तारीख मार्च के आगे भी चली जाएगी, अप्रैल में भी चली जाएगी, तो यहाँ पर कोई आश्चर्यचकित नहीं हो, क्योंकि अतिथि शिक्षा के काम हमेशा ही 3 से 4 महीने लगातार चलते हैं, सरकार इस तरह से समय जो है बर्बाद करती है, नहीं तो इस तरह से अतिथि शिक्षकों को कई अलग अलग संकुल से वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल और केवल स्वप्रमाणित का प्रमाण पत्र लेना चाहिए था कि हमने इसमें काम किया है। अगर बाद में फर्जी बारह होता तो संबंधित कैंडिडेट ही पकड़ा जाता और उसके खिलाफ कार्रवाई होती, अलग अलग संकुल जहां काम किए वहां पर जाना, मान लीजिए 8 साल में 8